प्लीज आगे जगह बना लो। जय सिंह पहले उन्होंने हमसे कहा कि आप आलोक कुमार के पिताजी बोल रहे हैं जय सिंह जी। हाँ सर जी, चाहे वो आलोक का एक्सीडेंट था तो हमने कहा कि सर ज़्यादा चोट वोट तो नहीं है, थोड़ी देर बात है वो लोग इधर उधर की होती रही। फिर इसके बाद हमसे कहा कि वो आलोक कुमार जीने से गिर गए। फिर ऐसी इतनी बात कहने के बाद फिर हमसे कह रहे हैं कि वो छत से गिर गए हैं और वो नहीं, अपनी माँ से लगभग पर डे एक घंटा बात किया करता था शाम के 10 बजे के बाद, अपनी माँ से पर डे बात करती, माँ इसको बहुत प्यारी थी। मैं समझ सकता हूँ, हाँ माँ इसको बहुत प्यारी थी तो माँ से बात करता था। मैं बाबू ज़्यादा मुझसे बात नहीं करता था, माँ से सदा रोज का नियम था, बात करती रही लगभग ये एक घंटे बात किया माँ से। फिर इसके बाद इसका अटेंडम जैसे ही है, अब वो तो कह रहे थे कि रेलिंग से रेलिंग में बैठे बात कर रहे थे, डिसबैलेंस तो इसका मोबाइल जो है हाँ वही छत पे छूट गया है। 11 बजे तक तो माँ से बातें करता, 11 बजे के बाद, क्योंकि वो रोज का नियम था घंटे दो घंटे माँ से। 19 तारीख की बात का, कौन सा ऐसा जवान है जो राष्ट्र के नाम समर्पित होकर अपने जिले का नाम रोशन नहीं किया, अपने माता पिता का नाम तो रोशन किया ही, अपने जनपद का, भारत देश में भारत सरकार की सर्विस करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे करके राष्ट्र के नाम समर्पित हुआ है। ये आपके गांव के गौरव की बात है, हमारे जनपद की गौरव की बात है। हमको भी ऐसा महसूस हुआ कि हमारा कोई ऐसा बेटा जनपद में नाम करके गया है, सूचना मिली और हम यहां तक भीगते भीगते पहुंचे। और हमें तो फोर्स में कोई जवान दिख जाता है तो हमको लगता है हमारा बेटा ही है, और उस बेटे की याद में हमने तो एक रूटीन बना रखा है। अभी 15 अगस्त को 10,000 लोगों की हमारे यहाँ भीड़ हुई है, उस बेटे की स्मृति पर किसी न किसी रूप में आयोजन करते रहते हैं। इस बार तो ITBP के जवानों ने जा कर के सलामी दी है, सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सलामी दी है, और चांदपुर थाने से जितना भी स्टाफ रहता है उसने सलामी दिया। हम ऐसी कामना करते हैं ये बेटा आज शहीद होकर के राजकीय सम्मान के साथ इसको सलामी दी गई है। हम इसकी आत्मा को शांति हेतु अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये बेटा, इनको अमरत्व की प्राप्ति होती है, ये एक ऐसा पद होता है ये सबको नहीं मिलता, ये बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। इनके माता पिता भाग्यशाली हैं जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। और मैं शहीद विजय कुमार पांडे का पिता कृष्ण कुमार पांडे थाना चांदपुर, मैं भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सब लोगों से नम्र निवेदन करते हुए और उसके परिवार के लोगों को नमन करते हैं जिन्होंने इतने बहादुर सपूत को पैदा किया। और आज हमें दुख है कि इस प्रकार की घटना हो गई। हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसकी आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, हम क्षेत्रवासियों को, क्योंकि हम सबके बहुत पारिवारिक रिश्ते थे उनसे। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जीवर शहीद को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, जो बच्चे वीर शहीद इस प्रकार से होते हैं, उसके परिवार में, उसके घर में एक बार तो दुख होता है, फिर उसके बाद परिवार के लोग, हम सब क्षेत्र के लोग गर्व करते हैं।